नमस्कार दोस्तों, उदयपुरी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम पटेटो कटलेट्स बनाएंगे। इसके लिए हमें जिन सामग्री की आवश्यकता होगी वह है, हमने यहाँ 4 उबले हुए आलू लिए हैं, धनिया, चाट मसाला, प्याज इसको हमने कद्दूकस कर लिया है और हरी मिर्च को हमने काट लिया है और मसाले लिए हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। उबले हुए आलू को हम इस तरह से मैश कर लेंगे। इस तरह से हम आलू को मैश कर लेंगे। धनिया, चाट मसाला, प्याज कसा हुआ, हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी जरा सी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, इसको हम मैश कर लेंगे। पोटैटो कटलेट्स सुबह के नाश्ते के लिए बहुत बेस्ट है। यह बच्चों को तो बड़ा ही अच्छा लगता है और बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे हम हाथ से मैश कर लेंगे। हाथ में थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे और इसे हम गोल गोल बना लेंगे। इस तरह से इस तरह से हम सारे आलूओं को हम शेप दे देंगे, कटलेट बना दें। आप चाहे तो दूसरा आकार भी बना सकते हैं। हमने इस तरह से इसका आकार बनाया है। अब इसे हम एक नॉन स्टिक तवे पर फ्राई कर देंगे कम तेल में। नॉन स्टिक तवा लिया है, इसको हम कम तेल में ही इसको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं। इसको तेल गर्म होने के बाद इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। गरम हो चुका है, इसमें हम कटलेट को इस तरह से रख देंगे। धीरे धीरे हम इसे फ्राई करेंगे। अब इसे हम पलट देंगे। पलट में क्या आप देख ही सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। इसको हम दूसरी तरफ फिर पलट देंगे। ये दिखने में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी इतने ही स्वादिष्ट हैं।
तैयार हो चुके हैं। दोस्तों आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में बेल बटन को जरूर दबाएं। नमस्कार।